फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है फिलिप्स जो है है उसका उसका सिद्धांत संबंध किससे या किन दो चीजों के बीच में वो संबंध स्थापित करता है ऑप्शन है बेरोजगारी दर व मुद्रास्फीति के बीच में जीडीपी वृद्धि दर व मुद्रास्फीति के बीच में सरकारी आय व मुद्रास्फीति के बीच में या उपरोक्त सभी के बीच में तो एक बात तो देखो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मुद्रास्पीति तो आएगी जब भी बात आएगी फिलिप्स वक्र की परंतु मुद्रास्पिति का किसके साथ संबंध स्थापित करता है तो उत्तर इसका है सही उत्तर है ए तो ए उत्तर के अनुसार जो फिलिप्स वक्र है वो किस किस के बीच में संबंध स्थापित करता है बेरोजगारी दर व मुद्रास्पीति के बीच में संबंध स्थापित करता है अब ये फिलिप्स वक्र कहता क्या है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा फिलिप्स वक्र आपको कहता है फिलिप्स का सिद्धांत आपको कहता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर मुद्रास्फीति बढ़ने पर स्फीति बढ़ने पर बेरोजगारी में कमी आएगी बेरोजगारी में कमी आएगी ऐसी बात फिलिप्स नाम का एक अर्थशास्त्री है वो कहकर गया परंतु यह अल्पकाल के लिए या एक निश्चित सीमा तक लागू होती है निश्चित सीमा तक लागू होती है मतलब कि जैसे जैसे आपके देश में महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी में कमी आएगी मतलब कि रोजगार में बढ़ोतरी होगी अगर रोजगार में बढ़ोतरी होगी फिर तो महंगाई को बढ़ा दो चक दो फटे क्योंकि महंगाई बढ़ने से रोजगार बढ़ रहा है और क्या चाहिए इसीलिए यहां पर परंतु शब्द जोड़ दिया गया है कि अगर आप महंगाई को लगातार बढ़ाते जाओगे या बहुत लंबे दिनों तक या बहुत लंबे समय तक महंगाई को बढ़ाओगे या महंगाई की दर को बहुत ही ऊंचा कर दोगे तो ये जो लाभ आपको मिल रहा था वो लाभ नहीं मिलेगा और लाभ जो है वो नकारात्मक हो जाएगा तो जो इसका कुल मिलाकर मतलब है कि मुद्रास्फीति जो है वो आपके रोजगार के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती है कौन सा प्रभाव डालती है सकारात्मक या रोजगार को बढ़ावा देती है परंतु एक सीमा तक ही यह बात जो है वो लागू होती है और अगर महंगाई लगातार बढ़ती रहे या एक सीमा से ऊपर पहुंच जाए तो यह बात जो है वह विपरीत दिशा में चली जाएगी महंगाई जो है वह रोजगार को बढ़ावा देने की बजाय बेरोजगारी को बढ़ावा देगी ठीक है तो आपको ध्यान रखना कि फिलिप्स वकर किस किस के बीच में संबंध स्थापित करता है फिलिप्स वक जो है वह रोजगार की दर या बेरोजगार की दर दोनों में कोई भी शब्द प्रयोग में लिया जा सकता है उसका संबंध स्थापित करता है किसके साथ मुद्रास्फीति के साथ